नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी इस स्टॉक पर दोस्तों जो है एक अच्छे नए इन्वेस्टर के लिए दोस्तों क्या क्या पॉजिटिविटी अभी के टाइम अवेलेबल है, और जो ओल्ड इन्वेस्टर है तो उनके लिए अभी के टाइम क्या क्या नेगेटिव थॉट्स इस स्टॉक पे नज़र आ रहे हैं, और अभी दोस्तों इस स्टॉक के लिए आगे चलकर किस प्रकार की पॉजिटिविटी रह सकती है, और अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस स्टॉक पर जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक पर दोस्तों लंबी गिरावट के बाद वापस मार्केट का कमबैक हुआ है, और धीरे धीरे जो उतार चढ़ाव थे वो खत्म हो रहे हैं, मार्केट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अभी इस स्टॉक पे दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेगेटिविटी पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी की दोस्तों जो मुख्य व्यवसाय था वो था रिन्यूएबल सेक्टर से। तो दोस्तों कंपनी को रिन्यूएबल सेक्टर में मुख्य व्यवसाय से दोस्तों नकदी में कमी देखने को मिली है। पिछले 2 वर्षों से अगर हम नजर डालें तो पिछले 2 वर्षों से दोस्तों परिचालन में नकदी प्रवाह में दोस्तों एक बड़ी गिरावट नजर आई है। क्योंकि कंपनी को अगर दोस्तों नकदी पर अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो उनमें कंपनी को नकदी रिसीव्ड राशि जो है वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक लंबे क्राइटेरिया लंबे वक्त के बाद कंपनी को वो चीज़ें जो है नकदी का जो पेमेंट है वो मिल रहा है, पर कंपनी की TTM यानी कि शुद्ध लाभ में भी बड़ी गिरावट नजर आई है। ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम बड़े थॉट्स के तौर पर नजर आ रहे हैं जो नेगेटिव होने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के पास अभी क्या क्या अवसर होने वाले हैं, क्या क्या अवसर नजर आए, क्योंकि दोस्तों अभी के लिए अवसर पर अगर चर्चा की जाए मनी कंट्रोल के रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कंपनी दोस्तों जो है 52 उच्चतम हाई वीक्स को दोस्तों उसम रिकवरी पर दोस्तों नज़दीक पहुंच चुकी है, और नया दोस्तों जो जंप था वो भी जल्द ही नज़र आया था इस स्टॉक के अंदर। और उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी के RSI इंडिकेटर पर अगर बात की जाए तो RSI इंडिकेटर पर दोस्तों एक बड़ी मजबूती नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है। पर कंपनी की दोस्तों जो है बात की जाए नेगेटिव थॉट्स के ऊपर तो नेगेटिविटी में एक जो है कंपनी की बड़ी नेगेटिविटी जो रहने वाली है वो ये देखने को मिल रही है कि कंपनी के दोस्तों जो है स्टॉक्स पी की अगर बात की जाए तो वो अभी हाई नज़र आ रही है। क्योंकि लगभग यहाँ पे बात की जाए तो 40 के आसपास कंपनी की जो पी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, पर अभी कंपनी के पास जो है मौजूदा टाइम में दोस्तों क्या क्या पॉजिटिविटी है, क्या क्या मजबूताई है, तो उन चीज़ों में अगर बात की जाए तो दोस्तों मजबूत गति में अगर बात करते हैं तो दोस्तों कीमत वृद्धि और दिन की जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों औसत में दोस्तों कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट चलने लायक है, जो है प्रॉफिटेबल डेटा प्रोवाइड करने वाला है, कम ऋण वाली कंपनी है लगभग, और तेज़ी से अपने कर्ज को भी कंपनी कम कर रही है। तो इन कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एक नया इन्वेस्टर दोस्तों मार्केट में एंटर कर सकता है। कंपनी में दोस्तों पिछले तीन तिमाहियों पर अगर बात की जाए तो हर तिमाही में दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में हर राजस्व में यानी कि वृद्धि नज़र आई है, और पिछले 3 तिमाहियों में हर तिमाही में दोस्तों कंपनी का तेज़ी से मुनाफा इंक्रीज हुआ है। तो इन कॉन्सेप्ट के साथ अगर मार्केट में दोस्तों एक नए इन्वेस्टर के लिए सुधार की बात की जाए, सूझबूझ की अगर बात की जाए तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना काफ़ी कंपलसरी होता है। प्रति शेयर बुक वैल्यू में दोस्तों पिछले 2 वर्षों से सुधार नजर आया है, और वर्तमान में दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू पर अगर चर्चा करें तो 2.91 रुपये की वर्तमान बुक वैल्यू रहने वाली है, जो एक अच्छी रहने वाली है। शून्य प्रमोटर प्रतिज्ञा वाली कंपनी होने वाली है, क्योंकि अभी दोस्तों कंपनी के पास जो है प्रमोटर्स पर दोस्तों कुछ भी जो डेटा है वो डिपेंडेबल नहीं है, वो देखने को मिल रहा है दोस्तों FI के इन्वेस्टरों पर, और ऑपरेट जो वर्तमान में दोस्तों जो DI की इन्वेस्टमेंट है और पब्लिक होल्डिंग पर, तो इन्हीं पर दोस्तों कंपनी डिपेंडेबल है दोस्तों। जो है प्रमोटर्स के पास दोस्तों कुछ भी जो है यहाँ पे ये शून्यता जो है वो यहाँ पे देखने को कम नजर आ रही है। FI की बात की जाए, MFI की बात की जाए तो MFI के जो इन्वेस्टर है वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं, और लास्ट टाइम ही कंपनी को दोस्तों प्रोजेक्ट्स भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियर हुआ था, प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के लिए एक अच्छा डेटाबेस नजर आ सकता है। तो कंपनी को दोस्तों पिछले टाइम जो 31 मई को लगभग 82 मेगावाट का भी नया ऑर्डर मिला था ओस्टर ग्रीन हाइड्री ओन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, तो वो चीज़ें भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी 52 उच्चतम सप्ताह के निकटतम स्तर पर पहुंचने वाली है, और कंपनी ने दोस्तों पिछले 1 महीने में अगर चर्चा करें तो कंपनी 1 महीने के अंदर दोस्तों जो है अभी के टाइम 20% से अधिक का जो रिटर्न है वो दे चुकी है, बढ़ोतरी दिला चुकी है, शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मार्केट में दोस्तों, RSI इंडिकेटर अभी के टाइम काफ़ी हाई पे देखने को नजर आ रहा है, और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम चर्चा करते हैं तो ये चीज़ मैंने आप लोग को दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो अभी बहुत मौजूदा पे देखने को मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी देता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो टेक्निकल जो देखने को मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल चार्ट है वो वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो है डेटाबेस नजर आ रहा है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों अभी कंपनी के लिए पॉजिटिव रुझान होने
वाले हैं, कंपनी लगातार जो है अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी का अच्छा रिटर्न गेन करने की क्षमता रख सकती है और एक अच्छा हमें मुनाफा गेन करवा सकती है। तो नए इन्वेस्टरों के लिए भी एक अच्छा मौका रहने वाला है। मंडे सेशन पर एक बार फिर से बड़ी रैली आने वाली है, पर दोस्तों कतरा कहीं टला नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है वर्तमान में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो दोस्तों किसी भी सरकार की जो टोटल जो है एक साइड एक तरफा जो गवर्नमेंट है वह नहीं बन पा रही। तो दोस्तों गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इनकेस आगे चलकर मार्केट पे दोस्तों अगर सरकार गिरती है तो दोस्तों मार्केट पे खतरा मंडरा सकता है, तो अलर्ट रहे। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।